वेलकम वंस अगेन इन योर सब्जेक्ट सोशल साइंस. द फर्स्ट चैप्टर इज लेट्स नो द हिस्ट्री. डिड यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर हिस्ट्री इन योर चाइल्डहुड? ओके, सो टुडे वी लर्न मोर सोर्सेस अबाउट टू नो द हिस्ट्री. जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट में देखा, मैन्युस्क्रिप्ट इज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स. अब है इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन इज अ आर्टिकल्स विच आर कार्व्ड ऑन द मेटल्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. स्टोन्स पे है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, राइट? जैसे कि आपने कभी देखा है स्टोन पे कुछ लिखा हुआ हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं, जैसे कि कोई मैसेज के रूप में. यस, ये स्टोन के ऊपर क्यों राइट करते हैं? इन अर्ली इयर्स किंग्स एंड क्वींस दे हैव इंस्क्रिप्शन and that gave information about their kingdom, their victories, their regions and culture on the stones. unki puri information, wo unka area kahan tak tha, unke time pe unhone kaun kaun si ladai jeeti thi, wo sab wo inscription mein include karte hain. okay, ये देखिए पत्थर पे लिखा हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. वो लैंग्वेज अलग अलग होती है, ब्राह्मी लैंग्वेज. ओके, स्क्रिप्ट अलग अलग है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. संस्कृत जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये जूनागढ़ में जो अशोका है, अशोका ने जो लिखा हुआ है स्टोन के ऊपर, तो ये उसका एग्जाम्पल है. ओके, वो किंग्स अपने मैसेजेस, कोई ऑर्डर्स, जो कुछ भी था वो ऐसे कोई आयरन के पिलर पे या तो कोई स्टोन्स पे ऐसे कार्व करके रखते थे ताकि पीपल उनको समझ सकते हैं, और दे राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज ताकि सब लोग उसे समझ सके. किंग्स को कोई ऑर्डर्स या तो कोई मैसेजेस देने हो तो भी वो ऐसे स्टोन्स या पिलर के ऊपर कार्व करवाते थे. नाउ कॉपर प्लेट्स, ताम्र पत्र, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग वो मेटल्स के ऊपर भी कार्विंग करते हैं. ओके, आवाज सुनाई दे रही है? यस, कुकू. This is environment. चलो, ताम्रपत्र, the text which is engraved on copper sheet is called ताम्रपत्र. पहले के ज़माने में कभी किसी को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ देना हो तो भी वो ताम्रपत्र पे लिख के देते थे, और ऐसा बोला भी जाता है कि चलो मेरा प्रॉमिस है कि ये जो किंगडम है वो आपका है, तो उसका प्रूफ क्या है? तो बोले कि ताम्रपत्र में लिख के दूँ. यस, तो उसमें वो उसका यूज़ करते थे क्योंकि वो तो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है, उसे तो ऐसे मिटाया नहीं जाता, तो ताम्रपत्र में लिखा जाता था. सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हर्षवर्धन. हेमचंद्रा थे वो बहुत बड़े जो स्क्रिप्ट राइटर थे, बराबर? तो उन्होंने जो लिखा है उनकी पूरी एक लाइब्रेरी है इन पाटन, नॉर्थ गुजरात में है. तो ये
ऐसी कई सारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस उनके द्वारा लिखी हुई है, वो प्रिजर्व्ड की है। प्रिजर्व्ड करना मतलब, देखो कोई पहले की कोई चीज़ है लिखी हुई, कोई बुक्स या कुछ भी, ऐसे ताम्रपत्र में हो या तो ऐसे भोजपत्र में, उसको प्रिजर्व करना, उसे संभाल के स्टोर रखने के लिए अलग से केमिकल्स का यूज़ होता है, ताकि वो कई सालों तक ऐसे रहे। और उसी से तो हमें हिस्ट्री पता चलती है, राइट? तो हेमचंद्राचार्य की जो है लाइब्रेरी, उसमें ऐसे बहुत सारे ताम्रपत्र और इंस्क्रिप्शन है, राइट? यस, हेमचंद्राचार्य की एक बुक है सिद्धहेम शब्दानुशासन। ये बुक बहुत फेमस थी, क्योंकि ये बुक जब उन्होंने राइट की तो किंग ने उनके मान में एलिफेंट के ऊपर उसकी पूरी यात्रा निकाली थी, और किंग और हेमचंद्राचार्य दोनों पैदल चल रहे थे एलिफेंट के साथ, और वो सिर्फ एक बुक थी, वो एलिफेंट के ऊपर थी, राइट? तो ऐसे लोग थे। ये देखिए ताम्रपत्र का पिक्चर है, राइट? नाउ कॉइन्स, यस, अलग अलग कॉइन्स। अभी हम जो कॉइन्स यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा कि पहले कैसे कॉइन्स मिलते थे, अब ये हमारे जो करेंसी है, राइट? कॉइन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कभी कभी एज ए ट्रेडर्स, ट्रेडिंग में भी वो यूज होते हैं, और एज ए सिंबल, जैसे कि कोई मार्क होता है, राइट? तो उसमें भी वो कॉइन्स यूज होते हैं। ये देखिए ये कॉइन्स है, तो वो कॉइन्स अलग अलग मेटल के बने हुए होते हैं, कोई स्टोन्स के, कोई ब्रास के, राइट? तो अलग अलग मेटल्स से, अभी तो देखिए गोल्डन के होते हैं, सिल्वर्स के होते हैं कोई एरिया में, तो पहले ऐसे कॉइन्स यूज होते थे। जैसे अभी हम रुपीस देके, कॉइन्स देके, कुछ पैसे देके कुछ खरीदते हैं ना, तो पहले ये कॉइन्स यूज होते थे, उसमें किंग और क्वीन की साइन होती थी, ताकि पता चले ये इस किंगडम का है, राइट? वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, मैंने बोला ना कि उस किंग का उसमें फोटो होता है या नीचे नेम लिखा होता है साथ में, हिज रिलीजन, कल्चर एंड टाइम फ्रॉम दिस कॉइन्स। इस कॉइन्स से हमें पता चलता है कि किस टाइम के ये कॉइन्स है। सम कॉइन्स आर कॉल्ड, ये स्पेशल थे पंचमार्क कॉइन, वो बहुत फेमस हुए थे, ऐसे थे, उनका डिजाइन ऐसा था कि थोड़े ऊपर उठे हुए होते थे। देखे पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th BC बिफोर क्राइस्ट, समझ में आया? बिफोर क्राइस्ट मतलब अभी से, आप सोच लीजिए 5th सेंचुरी में, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, राइट? तो ये 5th सेंचुरी के ये ऐसे कॉइन्स हैं, तब यूज होते थे पंचमार्क कॉइन्स। दिस कॉइन क्रिएटेड बाय द प्रेसिंग मेटल्स पीसेस इन द मोल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स, राइट? तो ऐसे कॉइन्स, मैंने बोला ना एज अ सिंबल उनका शाइन, कि ये इस स्टेट का कोई भी चीजें होती है तो उनका मार्क लगता है, तो ये कॉइन्स का यूज करते थे वो। वैसे ही फिर देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये भी एक सोर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स मीन्स कोई ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे, देखो पहले के लोग जहाँ पे हम डिगिंग करते हैं और कुछ मिलता है हमें कभी कभी, तो कभी कभी ऐसे पूरे सिटी मिले, राइट? जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल्स थे तो वो रेलवे लाइन ऐसे कर रहे थे, लगा रहे थे, तो डिगिंग के टाइम उनको पूरा एक सिटी जैसा प्लेस मिला, कि जहाँ पे मकान बने हुए थे, टूटे फूटे मकान थे पूरा, ये सब मिला, तो दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं गुजरात में धोलावीरा, कच्छ में हैं, ओके?
लोथल नियर अहमदाबाद. ओके, धोड़का, धोड़का उसका टाउन है, उसके बाद बाजू में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है वो लोथल. ओके, एंड कालीबंगा, इन कालीबंगा नहीं राजस्थान, गंगानगर के पास. आलमगीर इन उत्तर प्रदेश. ऐसे तो बहुत सारे हैं, सिर्फ हमारे गुजरात में मोर देन 100 जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं. बट ये जो लोथल और धोराबीरा है वो बहुत फेमस है. दीज आर द पिक्चर ऑफ, देखिए आपको लगता होगा कि ये अभी अभी बनाया हुआ मकान है. नो, ये सब 6th और 7th सेंचुरी का बनाया हुआ है. राइट, देखिए अलग अलग स्टेप हैं, कोई 2 माले का है, कोई 3 माले का, ऐसे बनाए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, ये भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स कौन? आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पीपल हु स्टडी एंड प्रैक्टिस अबाउट आर्कियोलॉजी. मैंने बोला ना कोई ऐसी साइट्स, उसके बारे में पूरी, उसकी जो टाइमिंग वो सब पूरी रिसर्च करे, दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. कि ये जो सिटी है कितने सालों पुराना है, उसमें जो चीज़ें हैं. ओके, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, वहाँ के जो लोग हैं कितने पुराने साल का वो है, थ्रू मटीरियल्स रिमेन्स, वहाँ की जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उससे ही वो डिसाइड करते हैं और रिसर्च करते हैं कि ये सिटी कितने सालों पुराना है. दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. हिस्टोरियन, यस हिस्टोरियन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं वो हिस्टोरियन के थ्रू ही है. देखो उन्होंने रिसर्च किया, अब कोई राइट करेगा उसकी पूरी डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट राइट करेंगे, दे आर कॉल्ड हिस्टोरियन. सो पर्सन हु स्टडी और हु इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री इसको हिस्टोरियन, मतलब हिस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट हो, मतलब पूरी से पूरी डिटेल में आपको बताए, दे आर कॉल्ड हिस्टोरियन. तो उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट है ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स मीन्स, यस हमारे इंडिया में पहले बहुत से अलग अलग एरिया से, कंट्री से लोग आए थे, इंडिया के बारे में सब कुछ देखा और उन्होंने यहाँ से कुछ सीखा और अपनी बुक में राइट किया ताकि उनके लोगों को भी पता चले. तो उन्होंने जो बुक राइट की है उससे हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल फाहियान, युएनसांग, तो ये सब जो है ट्रैवलर्स से, चाइना से आए थे. ओके, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो हमारी हिस्ट्री उसमें उन्होंने डिटेल में नोट की थी. राइट, प्लेडिंग, ये सब हिस्टोरियन है. बराबर, अलग अलग ट्रैवलर्स, मेगस्थनीस, ग्रीक मेगस्थनीस, राइट, उसकी बुक थी इंडिका, उससे बहुत सी हमारी इंडियन हिस्ट्री हमें पता चलती है. सो दे आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. तो हमने हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेस के बारे में सीख लिया. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.